दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, चाहे फार्मेसी का हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन के बारे में, जो आपको पता ही है कि एम्स में 10 नंबर के जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो इसकी प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, किन टॉपिक से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एम्स में पूछे भी, एक दो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सभी को बताया किस में है, वो बैडमिंटन ही खेलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखे कि आपको प्लेयर का नाम दे करके पूछ सकता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स खेलता है, या फिर आपसे पूछ देगा कि या फिर कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अभी रिसेंट टॉपिक ओलंपिक्स में भारत ने कितने गोल्ड जीते, किसने गोल्ड जीता, कौन से गेम में जीता, आपका ये टॉपिक बन सकता है एम्स के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर रिमेन इन द कैप्टिविटी ऑफ हिज सन। आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5, रिवर लूनी ड्रेन इन टू, कहाँ पर ड्रेन होती है, रन ऑफ कच्छ में। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। देखो उस टाइम जो था जब का एग्ज़ाम है, उस टाइम तो रघुराम राजन थे, लेकिन अब आपके श्री शक्तिकांत दास हो गए हैं। शक्तिकांत दास जो आपके प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हैं, वो श्री शक्तिकांत दास हैं। अभी इसमें रघुराजम है, उस टाइम रघुराजम थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं। हु इज़ द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जीके में, कोई भला अलग से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, हर चीज़ से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे कौन सा होता है, आप अभी को बता दो। आपका आंसर हो जाएगा फेम्यूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट रैंक, इनमें से कौन सबसे लंबी जो हाइएस्ट रैंक है कौन सी है। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, कमांडर होती है। रेयर कमांडर अलग होती है, इसमें होता है कमांडर जो कि आपकी इक्विवेलेंट होती है एयर कमांडर के या ब्रिगेडियर के, लेकिन बिलो होती है रेयर एडमिरल। जो आपका एडमिरल है, एडमिरल आंसर नहीं होगा, आपका हो जाएगा कमांडर जो कि हाइएस्ट नेवल सीनियर रैंक होती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है एयर कमांडर और ब्रिगेडियर के। रियल एडमिरल इससे ऊपर रैंक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अ साइक्लिस्ट वाइल रनिंग राउंड अ सर्कुलर रोड लेंस इनवर्ड बी डूइंग सो वच फोर्स इज प्रोवाइडिंग हिमसेल्फ विच इनेबल टू टेक अ रन। ये साइंस क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, अगर आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। फुल मून अकर वैन, इसमें आप क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं चारों, इसमें बताना है कि क्या चीज़ ऑप्शन ठीक है, देख के पहले अपने मन में सोचना तब डिसाइड करना। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। लिक्विड ड्रॉप और गैस बबल आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, द हिग्स बोसन पार्टिकल विच वर डिस्कवर्ड साइंटिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है उनको। आंसर नंबर हो जाएगा 1, क्वांटम पार्टिकल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टिड, ये तो फेमस क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 26 नवंबर 1949, द बुक टाइटल फॉर योर फ्यूचर हैज़ बीन ऑथर बाय, किसने दिया है बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आंसर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रिवर कप इज एसोसिएटेड विद रॉबर्ट्स कप, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे इन 16th लोकसभा में, उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर कौन था रेलवे का।
आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर सुरेश प्रभु उस टाइम, ठीक है ना। इसमें पूछा गया नाम लगा, अभी करंट से आपसे पूछा जा सकता है कि अभी रेल मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आपका होम मिनिस्टर कौन है आपका, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द गवर्नर अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नर होता है स्टेट का वो कौन अपॉइंट करता है। आंसर हो जाएगा 3, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। हीराकुंड डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन रिवर, हीराकुंड डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा महानदी। मैंने टोटल आपको आज 18 क्वेश्चन करा है, 1 or 2 क्वेश्चन जो था वो मिस प्रिंट टाइप लग रहा था, मुझे तो क्वेश्चन गलत लग रहा था इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया आपको, इसलिए क्वेश्चन मैंने 3 से ही आपको चालू करा है। तो आपको इस तरह से आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता दूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है एम्स का, लेकिन क्वेश्चन आपको जीके के इसी तरह से ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरह से पैटर्न मिलेंगे आपको, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको 70% चांसेस ओलंपिक से क्वेश्चन 100% आएगा। गोल्ड मेडलिस्ट का किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था, किस गेम में जीता था, जुवेनाइल में जीता था, किस ईयर में जीता था बताना पड़ेगा, कितने गोल्ड जीते इंडिया ने, कहाँ पे ओलंपिक्स हुआ था इस साल, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से तो फेवरेट क्वेश्चन है, पूछे जाते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो।